मार्गी, आप देख रहे हैं आपका अपना नया डिजिटल चैनल श्रेष्ठ उत्तराखंड, जहां आपको मिलती है उत्तराखंड की हर बड़ी और जरूरी खबर। ट्रेन जो हमारे सफर को आसान बनाती है, हमारा वक्त बचाकर हमें एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, लेकिन पटरी पर दौड़ने वाली ऐसी ही ट्रेन उत्तराखंड में एक बेजुबान हाथी की मौत की वजह बन गई। यह खबर ट्रेन की टक्कर से जान गंवाने वाले उसी बेजुबान हाथी की है, लेकिन मुद्दा विकास की इंसानी दौड़ के बीच ऐसे ही बहुत सारे हाथियों की जिंदगी से जुड़ा है। हाथियों का शरीर भले ही विशाल हो, असीम ताकत उनमें हो, लेकिन स्वभाव से ये बेहद शांत और समझदार जानवर हैं। गुस्सा भी हाथी को कभी कभार आता है, जब तक उन्हें छेड़ा ना जाए या फिर वो खुद को असुरक्षित महसूस ना करे। हाथी भावनाओं को भी बखूबी समझते हैं और उन्हें जाहिर करना भी जानते हैं। लेकिन हाथी जैसे शांत, समझदार और बेजुबान जानवर का जीवन बहुत सुरक्षित नहीं रह गया है। इसके पीछे बहुत सारी वजह है। एक बड़ी वजह इंसानी कदमों का विस्तार भी है। विकास देश और किसी राज्य के आगे बढ़ने के लिए, उसकी आर्थिक तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि तरक्की की यही रफ्तार जंगलों में रहने वाले जीवों के लिए खतरा बनती जा रही है? इस सवाल को उस हादसे ने और बड़ा बनाया है जो पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में हुआ है। यहाँ एक हाथी की ट्रेन से टकरा कर मौत हो गयी। घटना कोटद्वार के कोड़िया के पास की है। सुबह आनंद विहार से कोटद्वार जा रही ट्रेन के सामने अचानक एक हाथी आ गया। ट्रेन पूरी रफ्तार में थी, टक्कर जोरदार हुई जिसमें हाथी ने अपनी जान गंवा दी। यहां का एक बड़ा इलाका यूपी के बिजनौर वन विभाग के कोड़िया रेंज में आता है। ट्रेन से टकराकर हाथी की मौत की खबर जैसे ही वन विभाग के कानों तक पहुंची, टीम फौरन मौके पर पहुंच गई। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां पर बिजली का एक पोल भी उखड़ गया। ये पहला मौका नहीं है जब पहाड़ों और जंगलों के बीच से निकलते रेलवे ट्रैक जंगलों में रहने वाले जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। कुछ आंकड़े यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है। उत्तराखंड से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि यहाँ बीते 22 सालों में 508 हाथी असमय अपनी जान गंवा चुके हैं। इन 508 हाथियों में से 23 हाथियों की मौत की वजह ट्रेन बनी है। अन्य दुर्घटनाओं में 78 हाथियों की मौत हुई। इसके अलावा बिजली का करंट लगने से 43 हाथियों की जान गई। 9 हाथियों की मौत पोंचिंग यानी अवैध शिकार की वजह से हुई। वहीं 71 मामलों में हाथी की मौत का पता नहीं चल पाया। गौर करने वाली बात ये भी है कि 16 हाथियों की मौत देहरादून हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। हालांकि उत्तराखंड में बीते 12 सालों में हाथियों का कुनबा बड़ा है, लेकिन इनकी मृत्यु दर में कोई कमी नहीं आई है। सरकार ने जंगली जानवरों की सुरक्षा जिस वन विभाग को सौंप रखा है, उसका कहना है कि रेलवे ट्रैक पर हाथियों के कटने के मामलों में कमी लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। जाते जाते ये भी बता दें कि उत्तराखंड में सरकार ने जंगली जानवरों को रेल पटरियों से दूर रखने के लिए रेलवे की योजना प्लान भी शुरू की थी, लेकिन जंगली जानवरों की मौत की संख्या को ये योजना भी बहुत ज्यादा रोक नहीं सकी। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो योजना की मजबूती के बारे में सोचे, इस दिशा में और रास्ते निकाले। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइए। उत्तराखंड की खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड।